हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और मैं नहा चुकी हूँ और ये देखिए मैंने पूजा वगैरह कर दिया है, दीपक भी जला दिए हैं। और बस अभी ऊपर चलूँगी, ऊपर चल के अपना खाना वाना बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी भी उठ चुकी हैं। शादी पति मिल गए हम लोगों को, हम लोगों को नवाब ही है। तुमको नहीं लगता क्या ऐसा? नहीं, हमको पति नहीं लगता। तुमको तो बस ऐसे ही है, गौ के जैसे सीधे हैं पापा। तो फ्रेंड्स, आप देखे मम्मी जो है फ्रेश वगैरह होके बैठी हैं, लेकिन अभी नहाई नहीं थी और पापा फ्रेश होने गए थे। और यहाँ पे दूध मैंने चढ़ा दिया है और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी वगैरह बनाऊँगी। तो सब्जी मैंने फ्रिज में रखी है और फ्रिज से ही अभी निकाल लूँगी, क्योंकि रात में ही काट देते हैं तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो ये लौकी की सब्जी है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है। तो ऐसे अगर सुबह ही आप काटते हैं ना तो फिर काफ़ी लेट होता है, फिर फटाफट काम नहीं हो पाता। तो सारे ही काम रहते हैं क्योंकि सुबह और 8:30 बजे तक सारे काम करके मुझे खाली होना रहता है। तो इस वजह से पूजा पाठ वगैरह वगैरह सब कुछ तो काफ़ी हड़बड़ी सी हो जाती है। तो मैं रात को ही सब्जी वगैरह हम लोग काट लेते हैं। तो अभी मैं कुकर चढ़ा दी हूँ अपना और 2-3 मिर्ची ले ली हूँ। आज मैंने मिर्ची कम ही लिया है, पापा के दांत में दर्द हो रहा है तो उनको मिर्ची लग सी रही है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आटा देख रही थी, मम्मी कह रही थी आटा रखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हो जाए तो तुम बना लो मत सानना। तो वही मैं देख रही थी, तो ये देखिए काफ़ी है। तो अभी जब तक मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी ना तो तब तक आटा भी नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा ठंडा सा है क्योंकि। और ये मेरे पीड़ा जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बनवा दिया है कि मेरी हाइट छोटी है तो नीचे वाली रसोई तो थोड़ी नीची बनी हुई है। तो यहाँ पे ना कुकर वगैरह रख दो ना तो हाथ थोड़ा ऊँचा सा टंग जाता है, तो कुकर की तली नहीं दिखती है। तो ये मेरे लिए बनवा के लेके आए, तुम पीढ़ा पे चढ़ के जो है अपना कुकिंग किया करो, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। तो मैं पीढ़ा लगा लेती हूँ और अपने सारे काम ऐसे ही कर लेती हूँ। और सरसों का तेल मैंने अपने कुकर में डाल दिया है। यहाँ पे रिफाइंड नहीं खाते हैं क्योंकि रिफाइंड जो है थायराइड के लिए सही नहीं होता है, डॉक्टर ने मना किया है। तो ज़्यादातर सब्जी हम सरसों के तेल से ही बनाते हैं। और ये देखिए पापा जो है फ्रेश होके निकल आए हैं और ये जा रहे थे छत पे झाड़ू लगाने, और इनको एक दो तो यहाँ पे तीली वगैरह दिखा तो उसे झाड़ने लगे हैं। तो अभी सारे बर्तन वगैरह भी फैले हैं और ये देखिए पापा ऊपर जा रहे हैं, साफ़ सफाई करेंगे उसके बाद ही आएंगे। अब तो रोज़ सुबह का इनका ड्यूटी है कि ये छत पे चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी सब्जी छौंक दी थी तो कुकर उधर रख दिया है, क्योंकि उधर से ना फिर रोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है, दूर पड़ता है। तो मैंने अपना तवा इधर रख दिया और फटाफट से अब सारी रोटी मैं बना लूँगी। तो सुबह बना लेती हूँ तो दोपहर तक अपना काम चल जाता है। दोपहर में बनना होता है तो चावल वगैरह बनता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती। सब्जी और ये रोटी वगैरह तो रहती है क्योंकि गर्मी का मौसम भी है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बार बार खाना बनाने में। वैसे भी नहा के जब खाना बनाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बस क्या बताऊँ, वापस से वैसे ही हो जाती हूँ, गर्म गर्म से ही तो पसीने होने लगते हैं ढेर सारे। तो नीचे जाने पे फिर भी ठंडक सी हो जाती है क्योंकि नीचे हमारा पोर्शन बहुत ही ठंडा होता है, तो बिना कूलर के भी वहाँ पर काम चल जाता है, पसीना सूख जाता है अपने से। तो मेरी रोटी बढ़िया से देखिए बेल रही है, सेक रही है। और मॉर्निंग का ये रूटीन है हमारा जो अभी तक हमने आपके साथ पूरी तरह से सही तरीके से शेयर नहीं किया था, तो दिनचर्या है ये। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी मैं इसी तरह से अपनी, इनकी और पापा मम्मी की, सबकी बना लेती हूँ। ये देखिए मेरी रोटी फूल गई है। और इनका लंच का भी मुझे बनाना रहता है ना जाने के पहले ही, तो इनको टिफ़िन वगैरह भी पैक करना रहता है, तो वो भी मैं इसी समय ही बना लेती हूँ। तो मैंने अपनी रोटी सारी सेक ली थी और अभी ना फटाफट से सारे यहाँ से समेट लूँगी, क्योंकि मुझे गैस बिल्कुल भी गंदी अच्छी नहीं लगती। और बर्तन से ना इरिटेशन सी होती है क्योंकि गर्मी के मौसम में ना वो बर्तन जब उड़ता है ना तो बदन से चिपक जाता है और फिर वो
पसीने से चिपक के फिर खुजली सी होने लगती है। तो जाड़ा में तो एक बार ड्राई स्किन होती है तो झड़ जाता है, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बड़ी चिड़चिड़ाहट सी होती है, इस वजह से मैं फटाफट ही अपना ये समेट लेती हूँ। क्योंकि मम्मी को भी मैं कहती रहती हूँ कि आप अगर कभी बनाया करो तो समेट दिया करो, क्योंकि फिर मेरा किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर जो है अपना निकाल लिया है और फॉइल पेपर में ही इनकी रोटी लगा दूँगी। पराठा वगैरह नहीं बनाती हूँ ज़्यादातर, अगर सूखी सब्ज़ी कभी रही तो पूड़ी या पराठा बना दूँ तो बात अलग है, सूखी सब्ज़ी से नहीं खवाता है। और अगर थोड़ी सी लागी लिपटी सी या रसेदार सब्ज़ी होती है ना तो फिर वहाँ पे मैं रोटी ही बनाती हूँ, घी लगा देती हूँ और नुकसान भी नहीं करता है इस वजह से। तो ये देखिए मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं, अब बाल वगैरह इन्होंने आज धो लिया है। वैसे तो सोमवार को नहीं धोना चाहिए लेकिन इनको हमको लगता है ध्यान व्यान नहीं है, धो लिया बस। तो अभी ये जा रही हैं, जल वगैरह चढ़ाएंगी ऊपर सूर्य भगवान का। और ये मेरी रोटी भी चुपड़ गई है और मैंने फॉइल पेपर में लगा दिया है। अब फटाफट से बाकी बची हुई रोटी सब बंद करके रख दूँगी और अपना गैस वैस अच्छे से साफ कर लूँगी। तो ये है इनकी टिफ़िन, तो आप देख सकते हैं कि एक एयर टाइट लेती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह अगर गिरी रहती है ना तो गिरती नहीं है इस वजह से। और एक तो नॉर्मली कोई सा भी ढक्कन वाला हो रोटी तो गिर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो ये पिट्ठू बैग लेके जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन एयर टाइट में सब्ज़ी रहती है तो सही रहती है, नहीं तो सब पानी वानी रसा वसा सब बह जाता है। तो फटाफट से चलिए गैस वैस साफ कर लेते हैं फिर आगे कुछ काम वाम करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा किचन साफ़ हो गया है और फटाफट से मैं इस कपड़े को साफ़ कर लूँगी। स्पॉन्ज वाला कपड़ा है ये, तो इससे किचन साफ़ करने में बड़ा ही आराम रहता है। तो अभी बस इनकी सब्ज़ी लगानी बाकी है, तो मैं हाथ हाथ पोंछ ली हूँ और अब देख लेती हूँ कि मेरी लौकी पकी है या नहीं। तो गर्मा गर्म भाप देख ही निकल रहा है और थोड़ा सा पोंछ लूँगी मैं इसे, जिससे अच्छे से घुट जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी काट रखा था ना इस वजह से थोड़ा घुटा नहीं है। और ये देखिए ये भी आ गए हैं ऊपर पूजा उजा करके, तो ध्यान भजन कर लिया है इन्होंने। और चाय इनकी मैंने बना के रख दी थी मिल्टन में और अभी बस इनको दूंगी चाय। सुबह बना लेते हैं चाय क्योंकि फिर जो है इनको दवाई वगैरह खानी रहती है ना, तो ये तुरंत नहीं पीते हैं, एक घंटे बाद ही पीते हैं, तो इस वजह से अभी लेके जा रहे हैं। तो इनकी चाय गर्मा गर्म रखी हुई थी, अभी थोड़ा बहुत घोट लूँगी मैं अपनी सब्ज़ी और उसके बाद इनकी सब्ज़ी वगैरह भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी हल्की सी, मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया था थोड़ा सा कि गीला सा हो जाएगा, सूखा सूखा इनसे भी नहीं खवाता है बिल्कुल। और वैसे तो बिल्कुल ही नॉर्मल ही खाना बनाते हैं हम लोग, जीरा मिर्चा से छौंक दिया है बस इसे और ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, तो हल्का फुल्का सही रहता है गर्मी में खाने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से मोबाइल का अपना चार्जर लूँगी। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, 7 बज रहे हैं अभी और धूप तो ऐसे लग रही है कि 12 बज रहे हों, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं, फिर नीचे चलते हैं अपना चार्जर ले लेंगे और बस। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी नीचे लेकिन मम्मी अभी ऊपर जल चढ़ाने गई थी ना, तो ये देखिए आ गई और आवाज़ देते आ रही थी कि तुम मेरा काढ़ा बना दो उसके बाद जाओ। तो मैंने अपना वापस ले आके रख दिया है टिफ़िन और चार्जर। तो अभी पहले मम्मी ये देखिए अपना माला वगैरह भी लेके आएंगी और ये जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, आंखें खोल के सोते पे बैठ के और माला वगैरह करती हैं, सास वगैरह होती है और दादी वगैरह होती है ना जैसे सीरियल में, तभी इनको देखिएगा सेम ऐसे ही ये जो है पूजा करने वाली हैं। तो इनका चारों तरफ दिमाग रहता है, हर तरफ इनका काम चलता रहता है। तो मैं इधर पहले अपना काढ़ा वगैरह चढ़ा देती हूँ क्योंकि ये मम्मी थोड़ा अभी कुछ करने लगी थी, तो मैंने कहा लाओ मैं पहले इनका काढ़ा चढ़ा दूँ,
तो ना तो ये मम्मी का चाय बनने वाला है, ना काढ़ा ना तो कॉफ़ी बनेगा, ये मम्मी का काढ़ा बनेगा जिसका पाउडर मम्मी ने खुद घर पे बनाया है। तो घर पे ही बना लेती हैं काढ़ा का जो है, जो भी रेसिपी है ना अपनी, मतलब मेरी मौसी से पूछ के, बड़ी वाली मौसी हमारी बता देती हैं कि क्या क्या डाल के काढ़ा बनाओ। तो ये मैं आधा चम्मच इसमें डाल दूँगी और बस दो तीन फॉल आ जाएगा और फटाफट से इनका चाय, अरे काढ़ा बन जाएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने कि थोड़ा जलने और पकने में टाइम लगेगा। और ये देखिए पापा आ गए हैं। ये दूध है, ये फूल है, पूजा के लिए है। पूजा बढ़िया से करना। हाँ, हर घड़ी वाला काम नहीं हमारे पास, इतने काम है जिंदगी में, खाली पूजा कर, बस पूजा कायदे से करो, सब काम छोड़ करो, नाश्ता बाद में करो। तो फ्रेंड्स, पापा अब अंदर फूल उल ले जाके रखेंगे और यहाँ पे मेरा काढ़ा भी तैयार हो गया है, तो बस इसे छान के मम्मी को दे दूँगी अपना। धीरे धीरे पीती भी रहेंगी और माला वगैरह भी करती रहेंगी। तो ये देखिए अब पापा जा रहे हैं नीचे, और नीचे जा रहे थे ना तो यहाँ पे मेरा टिफ़िन वगैरह रखा था, मैं लेके जा रही थी फिर रुक गई थी, तो पापा कह लाओ मैं ले जाता हूँ। तो अभी वो पापा ले जाके नीचे रख देंगे और बस अभी मैं भी जाने ही वाली हूँ, मेरा सारा काम हो गया। और ये देखिए है ना टीवी सीरियल के जैसे सारे इशारे कर रही हैं और माला करते जा रही है, काढ़ा रख दिया है मैंने। तो फाइनली अब चलते हैं नीचे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।